हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये आज का टूर है मेरा हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस, जो कि निज़ामों का है। यहाँ पर मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि एक बार मैं ज़रूर जाऊँ। मैंने यहाँ आने के लिए हाईटी बुक करी थी। यदि आपको यहाँ आना है तो आपको हाई टी, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ ना कुछ बुक कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके अंदर नहीं आ सकते। मैंने यहाँ पर हाई टी 4000 प्लस टैक्सेस में बुक कराई थी। और आप यहाँ पर यदि कमरे में रहना चाहते हैं तो ये 35 प्लस ही पड़ता है, और सीज़न के अकॉर्डिंग इसके रेट ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। अब हम फलकनुमा पैलेस के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से मेरी एंट्री स्टार्ट हो गई है। ये एंट्री करते ही सामने गार्डन दिखाई देता है, और ये उन्होंने हमें बोला था ये पूरा फलकनुमा स्कॉर्पियन की शेप में बना हुआ है। अब हम आ गए हैं अपनी हाई टी पर, और इतने सारे स्नैक्स इन्होंने सर्व किए, इतनी ड्रिंक्स, आप लोग खाते थक जाएंगे। प्लीज़ मेरा अनुभव है कि आप यहाँ पर बिना लंच के आएँ, तभी आप हाई टी का एंजॉय कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर हमें हाई टी सर्व करी गई। आज हम आए हैं फलकनुमा में, और ये भैया थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी हाई टी पे स्नैक्स सर्व करे। आपका नाम क्या है भैया? सुधाकर। अच्छा सुधाकर, आप यहाँ पर कितने समय से हैं? मैम दिस इज 5th ईयर इन फलकनुमा पैलेस। ओके। प्रीवियस आई वर्क्ड इन ताज बेकल केरला फॉर 1.5 ईयर। वंडरफुल। और आप इतने अच्छे से लोगों को सर्व करते हैं, तो आपको कितने नंबर चाहिए बताओ पहले। मैं ये चाहूंगी कि आप जब भी यहाँ पर आएं और इनको पूरा 100 में से 100 दें। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें स्नैक्स सर्व करे, और मेरा यहाँ का अनुभव भी बहुत अच्छा था, तो आप जरूर इनसे आके भी स्पेशल मिलें। यदि आप हाई टी बुक कराते हो तो आपको हाई टी के साथ टूर मिलता है। फलकनुमा में हमारे कुछ गेस्ट ठहरे होते हैं, तो हमने वहाँ पर सूफी इवनिंग भी इंजॉय करी। उन सब के बाद जो हमारे गेस्ट वहाँ ठहरे हुए थे, हम उनके पास कमरे में चले गए, और ये कमरा काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर रूम का स्टे 35 प्लस टैक्सेस होता है, बाकी थोड़ा सीजनल के ऊपर डिपेंड करता है।
और यहाँ का बाथरूम कुछ पुराने टाइप से बना हुआ था, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ था और काफ़ी बड़ा था ये। अब हमारा टूर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत ही वीडियो बना पाई हूँ। ये निज़ाम की लाइब्रेरी है, जहाँ पर वर्ड की कुछ ऐसी बुक्स हैं जो लिमिटेड एडिशन हैं। ये जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट डाइनिंग टेबल है, जहाँ पर एक साथ 101 बंदा बैठकर खाना खा सकते हैं। अब हम आ गए हैं निज़ामों के बार रूम में। यहाँ पर निज़ाम लोग हुक्का और ड्रिंक्स और पूल वगैरह खेला करते थे। The bigger stainless steel view,
तो अब हमारा टूर यहीं समाप्त होता है और यहाँ से अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो यदि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू सून।